प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूं। कोरोना संक्रमण को फैलता रोकने के लिए लोगों की हलनचलन कम हो और लोगों के बीच का संपर्क भी कम करना बहुत जरूरी है। इसलिए बिना वजह घूम रहे लोगों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं। जैसा पहले बताया गया था, टू व्हीलर वाहन पे एक से ज्यादा या फोर व्हीलर वाहन पे दो ड्राइवर प्लस वन से ज्यादा लोग सफर करते पाए जाएंगे, वहां पुलिस कार्रवाई करते हुए ऐसे वाहनों को जब्त करेगी। लोगों से फिर से अपील है कि संभव हो तो बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो बाहर जाते वक्त मास्क पहने और हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने भी सभी नागरिकों को सूचित किया है कि इस संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की बात को सभी लोग अपनी आदत बना लें। कोरोना संक्रमण जहां कम है, ऐसे ग्रीन जोन के विस्तार के लोगों को ज्यादा जागृत होना जरूरी है, जिससे कि उनके विस्तार में संक्रमण न आए। ऐसे विस्तारों में सब्जी मंडी जैसे आवश्यक चीजों के विक्रय स्थल पर लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस भी रखा जाना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे उचित अंतर नहीं रखा जा रहा हो तो इस बात की जानकारी पुलिस को दें। कल राज्य में लॉकडाउन भंग के लोगों के 100 नंबर पर मिली ऐसी शिकायतों के ऊपर से 43 गुना दाखिल किए गए हैं। जिन विस्तारों में संक्रमण का ज्यादा फैलना संभव हो, ऐसे विस्तारों में सावधानी रखने के हेतु लॉकडाउन में पहले दी गई छूटछाट को भी कैंसिल किया जा सकता है। आज पंचमहल जिले के गोधरा शहर में सावधानी के हेतु ऐसी कार्रवाई की गई है। गोधरा शहर में संक्रमण ज्यादा फैलते हुए रोकने के लिए तंत्र को अब लॉकडाउन में दी गई सभी छूटछाट वापस लेना उचित लग रहा है। इसलिए गोधरा शहर में पहले जो दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, वो सभी छूट कैंसिल करके फिक्स से सख्त लॉकडाउन का अमल किया जा रहा है। इस लॉकडाउन को चुस्त अमल करने के लिए एक एसआरपी की कंपनी भी दी गई है। पुलिस के ऊपर हुए हमले की एक और वारदात में पासा के तहत कार्रवाई की गई है। सुरेंद्रनगर जिले में 25/4/2020 को जीआरडी के जवान पर हमला किए जाने की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इस गुनाह में शामिल दो आरोपियों को कल पासा तहत अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। डिटेन किए गए वाहनों में कल 7321 वाहन छोड़े गए हैं। अभी तक राज्य में कुल 1,35,143 वाहन मुक्त किए गए हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। राज्य में कल ऐसे 27 गुना दाखिल हुए हैं और 33 लोगों को पकड़ा गया है। अभी तक ऐसे 361 गुना में 591 लोगों की धरपकड़ भी हुई है। ड्रोन के फुटेज की मदद से कल कुल 306 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 74 गुना दाखिल किए गए हैं। आज तक राज्य में ड्रोन की मदद से कुल 9,795 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 1,908 गुना दाखिल किए गए हैं। अफवाहें और गलत मैसेज को प्रसार करने के मामले में आज तक 544 गुना दाखिल हुए हैं और 1,124 लोगों की अटकायत की गई है। एएनपीआर की एनालिसिस से आज तक 690 गुना और वीडियोग्राफर द्वारा लिए गए वीडियो फुटेज के आधार पर आज तक 1,234 गुना दाखिल हुए हैं।
प्रहरी जैसे खास वाहन जिनपे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे वाहनों की मदद से आज तक 456 गुना दाखिल किए गए हैं।